मेरा ना नाम डॉक्टर सिद्धार्थ वॉरियर है आई एम ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं डॉक्टर हूँ मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले तीन साल से कंटेंट बना रहा हूँ साइंस पे कंटेंट बना रहा हूँ ताकि uh, मैं बता सकूँ लोगों को कि उनके दिमाग में क्या हो रहा है ब्रेन कैसे काम करता है एंड ये जानना ज़रूरी क्यों है आई फील कि सबको एक हक होता है ख़ुद के ब्रेन के बारे में पता होना उससे जो एम्पावरमेंट मिलता है दैट इज़ द रोल ऑफ़ माई कॉन्टेंट और इसके पीछे क्या रीज़न है कि आपने ब्रेन में ही क्यों अपनी स्पेशलिटी करी ये तो थोड़ी लंबी कहानी है इन uh, स्कूल मुझे साइकोलॉजी uh, में बहुत इंटरेस्ट था कि लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं वाई आर वी द वे वी आर तो इसमें मुझे uh, काफ़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि ह्यूमन बिहेवियर पे। तो पहले मुझे लगा कि मैं साइकोलॉजी करूँगा बट माई डैड इज़ अ एम डी मेडिसिन डॉक्टर और वो एक इन्फ्लुएंस हुआ कि चलो मेडिसिन कर लेते हैं बट वो साइकोलॉजी का जो क्यूरियोसिटी है वो हमेशा रहा मेरे साथ देन आई रियलाइज दैट साइकोलॉजी इज़ अंडरस्टैंडिंग अ ह्यूमन पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड लेकिन एक और एक तरीका होता है पता करने का वो है थ्रू द इन तो ब्रेन के अंदर जो वायरिंग है जो केमिकल्स है जो नेटवर्क्स है उससे भी पता चल जाता है कि लोग ऐसे क्यों हैं तो आप क्या प्रॉपर स्कैन में देखते हो जी ये तो आपका डे टू डे प्रैक्टिस होगा आई जी एम आर आई कर लेता हो सी टी स्कैन कर लेता हो और भी डिटेल टेस्ट होते हैं जैसे फंक्शनल एम आर आई होता है फंक्शनल एम आर आई में आदमी अंदर लेटा हुआ है और अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन विल लाइट अप ये कैसे पता कि गुस्सा आ रहा है ये भी तो हो सकता है कि कोई और फीलिंग हो जिसको हम गुस्से की तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं ब्यूटिफुल अभी आप ऑलरेडी न्यूरो साइंटिस्ट जैसे सोचना शुरू किए हो ये जो हर एक इमोशन का जो ओवरलैप होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज बचपन में, में हम लोग सोचते हैं कि प्यार अलग है गुस्सा अलग है जेलेसी अलग है लेकिन ये सब में जो कनेक्शन्स है वो न्यूरोसाइंस अभी पता कर रहा है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ फ़ियर इन लव दर इज़ अ लॉट ऑफ लव इन जेलसी सो ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स उसमें जो ओवरलैप जो होता है वो न्यूरोसाइंस के थ्रू हमें एक अलग तरीके से देखने मिलता है तो हम एक तरीके से इन दो इमोशंस के बीच में या किसी भी दो इमोशंस के बीच में एक लाइन नहीं खींच सकते और ये नहीं कह सकते कि ये ये है और ये ये है जैसे हमने एम मेडिसिन में ये सीखा कि हम लोग बोलते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ हेपेटोलॉजिस्ट के पास जाओ न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ लेकिन बॉडी एक ही है ना हम लोग अलग अलग ऑर्गन्स पे डिवाइड करते हैं लेकिन right. शरीर तो एक ही है तो हर एक स्पेशलिस्ट को बाकी ऑर्गन्स के बारे में भी पता होना चाहिए right. क्योंकि हर एक स्पेक्ट्रम होता है एंड एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स अगर हार्ट ख़राब है तो ब्रेन ख़राब होगा किडनी ख़राब होगी थोड़े टाइम में तो वो एक स्पेक्ट्रम होता है तो सिमिलरली इन एमोशंस और यही फ़र्क हो गया कि होलिस्टिकली एक प्रॉब्लम को देखना या एक बीमारी को देखना right. और एक फ्रेगमेंटेड वे में देखना बिल्कुल क्योंकि हो सकता है कोई डॉक्टर हो जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम कर रहा है लेकिन उसकी जड़ कुछ और ही हो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे एक पेशेंट आया था दो हफ्ता पहले उसका हाथ हिल रहा था ओके कंटिन्यूस हिल रहा था एंड ही वॉज बिहेविंग ऑड जिसे अजीब से बात कर रहा था वो एंड न्यूरोलॉजिस्ट के पास आया क्योंकि हाथ हिल रहा है अजीब से बात कर रहा है टर्नज आउट उनका किडनी में प्रॉब्लम था ही वॉज हैविंग समथिंग कॉल्ड एन्सेफेलोपति मतलब किडनी जब ख़राब होती है तब तो ब्रेन खराब होता है क्योंकि जो कचरा जो होता है ब्रेन से जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलती तो वो ब्रेन में एक्यूमलेट हो जाता है और उसको एन्सेफेलोपति कहते हैं तो ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो अगर किडनी के बारे में अगर नहीं पता होता तो बीमारी पकड़ में नहीं आती hmm. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वे एक ओवरऑल पिक्चर और ये सिर्फ मेडिसिन में नहीं है आई एम श्योर हर हर एक में, हर एक जॉब में में सिस्टम ये अप्लाई होता है कि एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम विल विल अप्लाई टू टू एवरीथिंग एवरीथिंग एल्स एल्स अफेक्ट या आई वाज अबाउट से दैट मतलब बहुत बार लाइफ में क्या होता है हम अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रहे होते हैं जबकि हम उसके रूट को नहीं कभी समझ पाते हैं या एक्चुअल में नहीं समझ पाते उसका कॉज क्या है ऐसा आप भी कई बार फेस करते होंगे राइट right? बहुत बार इनफैक्ट हर एक ओपीडी में हर एक पेशेंट मेरे लिए एक एक पज़ल होता है क्योंकि वो पेशेंट आ रहा है एक प्रॉब्लम से लेकिन क्या वो असली प्रॉब्लम है कि दैट इज जस्ट अ कॉज ऑफ सम अदर प्रॉब्लम जिसको उसने देखा ही नहीं है उसने नोटिस भी नहीं किया हो सो दिस इज ऑलवेज देयर तो वहाँ पे एक डॉक्टर का बायस भी तो आ जाता होगा ना क्योंकि उस तरह का पेशेंट उस तरह के सिम्टम्स के साथ में आपने पहले जब देखा होगा तो आपके माइंड में सबसे पहला थॉट यही आएगा कि अच्छा कुछ वैसा ही है जबकि हर केस अपने आप में अलग होता है राइस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ मेडिसिन इसको अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं तो मैंने ये मेडिसिन में देखा था एम में मैं जब पढ़ाई कर रहा था टेक्स्ट बुक है उसमें थाउजेंड्स ऑफ था। डिजीजेज था। आते हैं उसमें से दो तीन डिजीज ऐसे होते हैं जो काफ़ी रेयर होते हैं बट वेन यू रीड इट और उसके अगले दिन आप जब हॉस्पिटल जाओगे तो सडनली हर एक पेशेंट तुमको लगेगा कि ये यही है क्योंकि दैट इज द लास्ट थिंग यू रेड और इसको अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं कि जब ब्रेन ढूंढता है कि इसका कारण क्या होगा तो जो सबसे लास्ट आपने जो सोचा था उसको जोड़ देता है कि ये उसके वैसे ही हुआ होगा दिस ऑलवेज हैपेंस हम लोग जिससे भी मिलते हैं वी लुक फॉर आवर

एक्चुअली समझ में आ गया कि नहीं वो अलग बात है बट वो एक फीलिंग आ जाता है कि मुझे समझ में आ गया और शायद यहाँ पर फेथ का बिलीफ का इन सब का रोल देखा जाए तो फिल्ण? आ जाता है फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने ताबीज पहना हुआ है हाँ. जो हम कहने को ये भी कह सकते हैं कि वो अंधविश्वास है लेकिन उस ताबीज की वजह से अपनी ब्रेन में वो सेफ फील कर रहा है सिक्योर फील कर रहा है तो हो सकता है उसकी लाइफ एक सही डायरेक्शन में जाने लग जाए उस ताबीज की वजह से नहीं बट बिकॉज ऑफ दैट थॉट कि मैं सेफ हूं तो वो एट ईज हो गया हंड्रेड परसेंट जैसे एक बच्चा है रो रहा है जैसे ही मम्मी रूम में आ गई रोना बंद हो गया अभी वो अगर समझो वो बच्चा एक्चुअल डेंजर में था द मदर माइट नॉट हैव बीन एबल टू डू अ लॉट लेकिन उसके दिमाग में वो एक कामनेस आ जाता है कि चलो ये है अभी नाउ आई एम सेफ अगर इफ़ द मदर इज नॉट देर लेकिन मम्मी ने एक लॉकेट दिया है और वो बंदा पहन रहा है वो लॉकेट तो वो साइकोलॉजिकल कनेक्शन अभी भी हो सकता है कि चलो

क्योंकि इतना डीप ना हो जाए कि सारे डूब जाएं और सब सो जाएं लोग लेट जाएं उनके मुंह से झाग निकलने लग जाए और फिर आपको उनका इलाज करना पड़े <laughs> तो अब वापस से उस पॉइंट पे आते हैं यानी कि जो आज का एज एज ग्रुप ग्रुप है हमारा दैट इज बिटवीन 18 टू 20 इयर्स okay. तो इस एज में जो एक कॉमन क्वेश्चन है जो hmm. सबकी प्रॉब्लम है और जो बार बार एक क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है वो है फोकस कैसे करें अपनी अटेंशन को अपने ध्यान को कैसे वहां पर लगाए जो हम करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ रहा है यानी कि पढ़ाई लिखाई और वहां से ध्यान कैसे हटाएं जो करना तो चाहते हैं लेकिन उसको करने से कुछ होने वाला नहीं है कुछ मिलता है थोड़ी देर के लिए प्लेजर लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होता है तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इसको अप्रोच करते हैं साइंटिफिकली बिल्कुल फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आपके पास में इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है मतलब क्या किया जाए क्या सजेस्ट करेंगे आप बच्चों को मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि आपकी गलती नहीं है सबसे पहले थैंक यू यू आर वेरी वेलकम क्योंकि घर पे सारे यही सुनते रहते ना कि तेरी गलती है तो पहली बार कोई ऐसा इंसान आया वो भी एक डॉक्टर इतने बड़े डॉक्टर जो कह रहे हैं कि आपकी गलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो करते रहो जो आप कर रहे हैं ये नहीं कहा है इन्होंने तो आगे भी पूरी बात सुन लो हाँ, हाँ, मतलब सिर्फ इतना क्लिप एडिट मत करना आगे भी है ये आपकी गलती इसलिए नहीं है कि जब आपका ब्रेन इवॉल्व हो रहा था ओवर द लास्ट 50,000, 1 मिलियन 10 मिलियन ईयर्स से उसका प्रायोरिटी बहुत अलग था उसका प्रायोरिटी था सर्वाइवल एंड सर्वाइवल के लिए दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है खाना दोस्त सपोर्ट के लिए कि कोई मारने आए तो कम्युनिटी, पार्टनर स्पीशीज़ को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ डेंजर है तो उससे दूर जाना बहुत ही सिंपल है आज के ज़माने में एग्ज़ाम देना ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं हमारे ब्रेन को कैसे पता क्योंकि एवोल्यूशनरी एग्जाम करके कुछ था नहीं तो यू आर टेलिंग योर ब्रेन कि एग्जाम इंपॉर्टेंट है बट ब्रेन देख रहा है कि अगर मैं नेटफ्लिक्स देखूं तो मुझे एंटरटेनमेंट मिलेगा मुझे मजा आ रहा है और मजा आना इज अ गुड थिंग क्योंकि मजा आने के लिए एवोल्यूशन ने काफी कुछ किया है हाँ मतलब किसी को मजा आया था तभी आप यहाँ बैठे हो <laughs> उनकी भी गलती नहीं थी <laughs> तो ये जो आ, हम लोग कह रहे हैं ना कि मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है एक्चुअली ब्रेन को लग रहा है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ये फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो जैसे एग्ज़ाम्स और पढ़ाई ब्रेन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम पढ़ाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेन को फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं आता सच ये है कि हमारा जो प्रिमिटिव ब्रेन है जो पुराना ब्रेन है इसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं पुराना ब्रेन है इसको फ्यूचर के बारे में सोचना आता ही नहीं है इसको सिर्फ अभी के बारे में सोचना आता है अभी का आज का इधर का इमीडिएट कि अभी क्या थ्रेट है क्या डेंजर है या क्या प्लेजर क्या प्लेजर है? है बस आज मैं पढ़ाई करूंगा 4 साल में डिग्री मिलेगी 10 साल में जॉब मिलेगी फिर मैं अच्छा गाड़ी खरीद वो सब मतलब हम बोलते हैं लेकिन फंडामेंटली तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम में वो घुसता नहीं है वो समझ में नहीं आता उसको और आपका सारा जो इंस्टिंगटिव डिसीजन होते हैं इमोशनल डिसीजन होते हैं ये सब लिम्बिक से आ रही है तो जो इवॉल्व ब्रेन है जो अभी अभी आया है दस पंद्रह बीस हजार साल में आया है बल्कि पढ़ाई लिखाई देखा जाए तो अभी पचास सौ साल में आई है पढ़ाई तो अभी अभी आया है बट जो इवॉल्व ब्रेन है दैट इज द वन दैट इज लॉजिकल दैट कैन लुक इन टू द फ्यूचर प्लान कि अच्छा मुझे ये बनना है ये बनना है बट आप एवोल्यूशनरीली देखोगे तो लिम्बिक सिस्टम इज लाइक योर ग्रेट ग्रैंड फादर और तुम्हारा जो सबसे इवॉल्व पार्ट है दैट इज अ इन्फंट बच्चा है तो कोई भी बच्चा ग्रेट ग्रैंडफादर को नहीं बता सकता कि ये करो दिस इज हाउ यू आर बॉर्न यू आर बॉर्न विद दिस इनिक्वालिटी तो एक चांस ही नहीं है बट एज यू कीप ग्रोइंग हमारा इवॉल्व पार्ट जिसको पी कहते हैं उसका फुल फॉर्म है प्री फ्रंटल कॉटेक्स जो इफ यू टैप योर फोर उसके जस्ट पीछे जो पार्ट है दैट इज द मोस्ट इवॉल्व पार्ट एज यू कीप ग्रोइंग इसी को मेच्योरिटी कहते हैं कि प्री फ्रंटल कॉटेक्स बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रोंगर इट डेवलप्स द कैपेसिटी टू टेल द लिम्बिक सिस्टम कि ये करो ये नहीं करो और वो स्ट्रांग कैसे होता है थ्रू एक्सपीरियंस थ्रू नॉलेज थ्रू लाइफ इसी को मैच्योरिटी कहेंगे कि जैसे टाइम बढ़ता है यूजुअली 25 इयर्स मानते हैं एब्स्ट्रैक्ट है बट 25 साल की उम्र में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इवॉल्व हो जाता है तब तक तो इनकी लाइफ की धजिया उड़ जाएगी <laughs> 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 क्योंकि अभी ये सारे अठारह उन्नीस साल के हैं अगर तब तक इनको समझ आएगा कि ये जो कर रहे हैं उसकी वजह से क्या गड़बड़ होने वाली है बिल्कुल भाई ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई जिसका हमको सोल्यूशन मिलता है क्या ऐसा कुछ हो सकता है जैसे अभी इनकी एज है मान लो अठारह उन्नीस साल हुँ. इनका जो प्री फ्रंटल कॉटेक्स है जी. वो इतना डेवलप हो जाए जितना कि एक पच्चीस साल के आदमी का होता है क्या ऐसा कोई तरीका है बहुत सारे लोग हैं देर आर सो मेनी चिल्ड्रेन हु आर एट सेवनटीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू आर अचीविंग वेरी गुड थिंग्स बिकॉज दे हैव लर्न टू कंट्रोल देयर लिम्बिक सिस्टम और वो कैसे होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मोटिवेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं पी एफ सी कह रहा है कि एग्जाम के लिए पढ़ाई करो क्यों पढ़ाई करे अगर वो क्यू बहुत क्लियर है दिमाग में तो पी एफ सी विल ओवरकम द लिम्बिक और वो क्यों सिर्फ क्लियर होने से नहीं होगा मान लो hmm. किसी को क्लियर हो भी गया बट कुछ देर के लिए क्लियर हुआ फिर उसके बाद में और जो हमारा जो डिफॉल्ट सिस्टम है ओवर पावर कर लिया उस क्यू को तो दैट क्यू हैज टू री इन्फोर्स एंड इट हैज टू बी अ कॉन्स्टेंट थॉट एंड अ अस्टेंट रिमाइंडर और वो डोमिनेटिंग थॉट होना चाहिए तभी वो हमारी बायोलॉजी को सरपास कर सकता है राइट yes. right? दोनों बायोलॉजी है ऐसा नहीं है कि एक बायोलॉजी और एक नहीं है बट जो लिम्बिक का क्यू है द लिम्बिक का मोटिवेशन है वो एक बिलियन ईयर्स से हो रहा है अगर आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट द हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर वन बिलियन ईयर्स आप एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो दो महीने से क्या कॉम्पिटिशन है ये तो हो ही नहीं सकता सो द मोर यू प्रैक्टिस दट मोटिवेशन कि मुझे ये करना है क्योंकि दिस दैट मेन रीज़न आप बार बार री करते जाओगे तो दैट पी एफ सी कैन ओवरकम द लिम्बिक सो देर इज नो क्लियर कट फिनिश लाइन जो फिनिश लाइन है वो हमने बनाया है एक कहानी है कि एक एब्स्ट्रैक्ट फिनिश लाइन हमने बनाया कि चलो ये हुआ तो खत्म ट्रस्ट नहीं आई हैव गिवन मोर देन ट्वेंटी फाइव थर्टी एग्जाम्स और हर एग्जाम के टाइम में मैं सोचता था कि बस ये एग्जाम अगर क्लियर हो जाए तो लाइफ सेट है बट <laughs> वो नहीं होता

हमें यह लगता है कि ये करके मैं खुश हो जाऊंगा तो खुश तो कभी होते ही नहीं <laughs> है स्कैम स्कैम है 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 पूरा का पूरा का का जो आपको बेचा जा रहा है। कहने का मतलब एक है हैप्पीनेस प्रॉब्लम इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन ए वो है उन लोगों के लिए जिन्होंने वो पा लिया है जो वो पाना चाहते थे और उनके पास में एक रीजनेबली कंफर्टेबल लाइफ है अभी एक बार को उस डिपार्टमेंट को छोड़ देते हैं अब बात करते हैं ऐसे बच्चे जिनके लिए प्रॉब्लम है सर्वाइवल की यानी उनके घर के खर्चे की प्रॉब्लम है घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही है अपना और अपने माँ बाप का पेट भरने के लिए अब वो बच्चे क्या करें अगर आपको रेस दौड़ना है अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया कि ये रेस मैं नहीं जीतूंगा इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप फेल हो गए या सक्सीड हो गए ये प्रॉब्लम ये है कि आप ट्रेन ही नहीं करोगे और अगर आपने ट्रेनिंग नहीं किया या समझो आपने ट्रेनिंग किया होता तो उससे और क्या क्या बेनिफिट्स है ये आपने शायद सोचा भी नहीं होगा इट इज़ नॉट अबाउट द विनिंग बट अगर समझो आपने ट्रेनिंग किया मैराथन दौड़ने का एंड यू डिड नॉट कम फर्स्ट इन फैक्ट यू डिड नॉट इवन फिनिश 42 टू किलोमीटर्स दौड़ना है आपने 25 के बाद यू गॉट टायर्ड एंड यू स्टॉप इट स्टिल मीन्स दैट यू नाउ हैव अ बॉडी दैट इज केपेबल ऑफ रनिंग 25 फाइव किलोमीटर्स एंड यू आर स्टिल फिटर दैन एवरीबडी एल्स इन यूर क्लास बिकॉज नोबडी एल्स इज रनिंग इवन टेन किलोमीटर्स दिस इज़ वाई आई फील की एबस्ट्रैक्ट फिनिश लाइन्स बहुत ट्रिकी होते हैं इट्स ग्रेट फॉर मोटिवेशन चलो मुझे उधर जाना है बट वहाँ तक अगर नहीं पहुँचे तो भी आपने काफ़ी कुछ अटेन किया है जो आप यू कान पुट अ नंबर ऑन देट एंड नेक्स्ट टाइम एन यू स्टार्ट रनिंग यू विल रन थर्टी किलोमीटर एंड यू विल स्टिल कॉल यूर सेल्फ अ फेलियर बट यू आर नॉट अगर आप दूर से देखोगे तो यू आर नॉट आपने सिर्फ अगर वो फोर्टी टू किलोमीटर्स के लाइन के थ्रू देखेंगे तो या यू आर स्टिल अ फेलियर बट यू आर एक्चुअली स्टिल ग्रोइंग

इट इज अचुएशन जो ब्रेन को नहीं पता हैंडल कैसे करना है तो अगर समझो मैं पहली बार लाइफ में स्टेज में बैठा हूँ आई वुड बी सो स्ट्रेस रेड नाउ क्योंकि क्या हो रहा है लेकिन like, इतने सारे लोग देख रहे हैं मुझे आप इंटरव्यू ले रहे हैं आई नो दैट मिलियंस ऑफ पीपल माईट सी दिस वीडियो आई विल बी माई हार्ट रेट विल बी हाई बिकॉज इट्स अ न्यू सिचुएशन मेरे ब्रेन को पता ही नहीं है इसको कैसे हैंडल करना है बिकॉज आई हैव बीन ऑन स्टेज फिफ्टी हंड्रेड टाइम्स बिफोर दिस फील्स नॉर्मल the only reason this feels normal is because I went. You've been there, done that. Correct. Right. मेरा mm -hmm. stage fear हुआ था mm. मैं -hmm. uh, गाने गया था एक बार school में ऊपर गया मुझे गाने का lyrics ही याद नहीं आ रहा है पूरा school खड़ी है सामने मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा गाना गाना था I sang some other song जिसका मुझे lyrics आधा याद था and I came down. But if that hadn't happened, then next time we would not have been a little more comfortable. And today I think my heart rate is around 65, 70. ठीक है, this is normal. इसी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं hmm. बहुत इंटरेस्टिंग है कॉन्वर्सेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्वर्सेशन सब के लिए समझना स्पेशली मेरे लिए क्योंकि आई एम रियली सीरियस अबाउट फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम चाहे जितना मर्जी मोटिवेट कर लें लोगों को ये सो so कॉल्ड जो रेस है उसको जीतने के लिए ये रेस है बड़ी सिंपल कि ये कट ऑफ है तुम यहाँ पर आ गए तो तुम सक्सेस हो नहीं आए तुम सक्सेसफुल नहीं हो घर वाले रिश्तेदार इसी तरीके से देखते हैं उस इंसान को मतलब बड़ा सीधा सा है सक्सेस और फेलियर का मतलब कि भाई ये कर गए ये क्रैक हो गया तो तुम सक्सेस हो नहीं हुआ तो फेलियर हो पीपल डोंट लुक एट इट इन अ वे कि तुमने पांच बार ट्राई किया और नहीं कर पाए फिर भी तुम कुछ कर गए और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा ट्रैप है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए इस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं कहते कोई बात नहीं कोशिश करते रहो दो बार करो पांच बार करो दस बार करो फेल भी हुए तो क्या हुआ क्योंकि पांच बार अगर आप लोगों ने कोशिश करी तो जिसका इंस्टीट्यूट है जो वो आपको उस एंट्रेंस के लिए तैयार कर रहा है उसका तो पैसा बन गया आप जाओ भाड़ में सीधी सी बात तो वो तो यही बोलेगा ना बट डेटा क्या, क्या कह रहा है कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ही नहीं क्योंकि जब हमें दिख रहा है कि चेयर चार हैं और उस पर बैठने वाले चार हजार हैं तो अननेसेसरी उन चार मोटिवेट करना इज नॉट अ सोल्यूशन तो सोल्यूशन yeah. क्या है जिसके बारे में मैं बात करता हूं अपने सेशन में कि उन लोगों को कुछ और भी एक्सप्लोर करना चाहिए yeah. और भी बहुत सारे रास्ते हैं सिर्फ ये दो या तीन रास्ते ही नहीं है yeah. जहां पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है जहां पर मार्काट मची हुई है और भी एक्सप्लोर करो बट देन दे डू नॉट एक्सप्लोर अदर ऑप्शन क्यों क्योंकि वहां पर डर लगता है तो वहां पर एक और एक चीज हमको रोक रही है विच इज अगेन प्रिमेटिव लिंक टू द लिंबिक सिस्टम दैट इज फियर क्योंकि वहां पे अपने बेस पे कुछ करना पड़ेगा और घर वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं ना प्रॉब्लम सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस प्रॉब्लम से उस रेस में भागना इज नॉट अ सोल्यूशन क्योंकि अगर चार बार इन्होंने ट्राई किया उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो ना ये यहां के रहे ना वहां के रहे जो प्राइम एज है वो भी निकल गई मोटिवेशन भी बिल्कुल खत्म हो गया लाइफ में कहने के लिए इनको एक एक्सपीरियंस हुआ है बट वो एक्सपीरियंस की एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है अगर कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं तो जा करके बोलेंगे मैंने इस एंट्रेंस की तैयारी करी चार साल तक तो उसके बेस पे इनको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली राइट नौकरी उसको मिलती है जिसका क्रैक हो जाता है और जो उसको कंप्लीट कर लेता है बाकी मिलती है दैट इज अ फैक्ट तो अब इन लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए अगर आप मेरी जगह पर हो आप इनको कैसे मोटिवेट करोगे कुछ नया ट्राई करने के लिए क्योंकि कुछ नया ट्राई करने के नाम से इनको डर लगता है प्लस ये अपने इतने कंफर्ट जोन में है उन प्लेजर्स ने इनको इतना घेर रखा है 24 घंटे सोशल मीडिया ने इंस्टाग्राम ने इन सारी चीजों ने कि उससे भारी नहीं निकल पाते हैं। निकलते हैं तो निकलते ही उनको डर लगता है तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं ये सब उसी रेस में भाग रहे हैं जहां पे पहले से ही पता है कि करोड़ों में से कुछ का ही कुछ होने वाला है बाकी सब धक्के खाएंगे इसमें दो चीज है एक है हम लोग सबके साथ क्यों दौड़ते हैं क्योंकि एक सेफ्टी इन हर्ड वाला फीलिंग है कि सब लोग जो कर रहे हैं अगर मैं भी करूं तो एक फीलिंग आती है कि चलो एटलीस्ट मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ कुछ इसमें थोड़ा करेज लगेगा कुछ अलग करने के लिए और वो करेज सबके लाइफ में आती है अलग अलग टाइम में बिकॉज दे विल फाइंड समथिंग दैट इज वर्थ इट टू गो अवे फ्रॉम द क्राउड अगर वर्थ इट तुमको नहीं लगा तो यू विल नॉट टेक दैट रिस्क क्योंकि देर इज सेफ्टी इन नंबर्स बाकी सब लोग जो कर रहे हैं अगर वैसे ही करो तो आई विल नॉट बी स्पॉटेड आई विल नॉट बी पिक्ट ऑन जैसे फॉरेस्ट में या जंगल में जीब्राज डू दिस जीब्राज आर ऑल स्ट्राइप्ड ब्लैक एंड वाइट तो दे डोंट कैमफ्लॉज अगेंस्ट द बैकग्राउंड क्योंकि आर इन अफ्रीका मतलब द बैकग्राउंड इज ग्रीन येलो तो ज़िब्राज कैन बी सीन वेरी वेल देयर कैमफ्लॉज इज विथ ईच अदर तो अगर टाइगर्स आए या लाइन्स आए जीब्रा को खाने के लिए तो एक जीब्रा विल मिक्स विद दो दंटर विल गेट कन्फ्यूज कि, कि किसके पीछे जाना है सब एक जैसे दिख रहे हैं ह्यूमन ऑल्सो डू दिस समे मैं बिहेव करूँ ताकि मुझे कोई पकड़े ना मैं कोई रिस्क ना लूँ यू नीड टू फाइंड समथिंग वर्थ इट इनाफ टू स्टेप आउट और वो आ जाता है वेन यू सी इट यू विल नो इट द अदर थिंग ऑफ वॉट यू आस्ट इज दैट हमारा सिस्टम ऐसा अरेंज हुआ है कि ऑल सक्सेस इज आउटकम बेस्ड आउटकम हुआ तो सक्सेस हुआ आउटकम नहीं हुआ तो सक्सेस नहीं हुआ इट इज़ नॉट स्किल बेस्ड और ये बहुत गलत है क्योंकि आउटकम का वैल्यू विल कीप चेंजिंग जैसे अगर समझो 40 साल पहले दे वॉज वुड मेक टाइप राइटर्स नाउ दैट इज एन आउटकम ऑल इज फैमिली इज प्राउड कि देखो लड़का क्या टाइप राइटर बनाता है और कितना कमा रहा है कितना कमा रहा है दस साल में कोई टाइप राइटर यूज नहीं कर रहा है अगर सिर्फ आउटकम बेस्ड हो तो नाउ ही इज जॉबलेस नाउ इज अ फेलियर नाउ इज अ फेलियर तो जो सक्सेस था कुछ चेंज नहीं हुआ सर्कमस्टांसेस चेंज हुए अभी वो सक्सेस ए फेलियर बन गया उसकी कोई गलती नहीं है बट सपोज ही इज स्किल बेस्ड ही नोज हाउ टू मैनेज मैकेनिकल्स ही नोज हाउ टू क्रिएट थिंग्स नाउ ही कैन क्रिएट अ फ़ोन नाउ ही कैन क्रिएट अ लैपटॉप नाउ जैसे साइंस बढ़ता है ही कैन कीप ऑन ग्रोइंग तो स्किल बेस्ड अगर आप फोकस कर रहे हो एवरीथिंग चेंजेस यू हैव टू थिंक डिफरेंटली यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ तुम्हारा स्किल सेट क्या है फॉर गेट अबाउट आउटकम फर्गेट अबाउट द एग्जाम हाउ गुड आ यू आर लर्निंग फॉगेट अबाउट रैंक हाउ गुड आई यू आर टेकिंग नोट्स क्योंकि वो रिप्रोड्यूसेबल है स्किल्स आर ट्रांसफरेबल आउटकम्स आर नाट तो स्किल्स आपका स्किल्स सेट लिख दो लाइक वॉट एवर यू आर गुड एट इफ यू राइट डाउन यूर स्किल्स यू हैव ओनली टू थिंग्स टू डू इन लाइफ वन इज टू इम्प्रूव ईच स्किल्स सो इफ यू आर गुड एट कम्युनिकेशन गेट बेटर ऐट कम्युनिकेशन इफ यू आर गुड एट प्लानिंग गेट बेटर एट प्लानिंग

नो बडी कैन एडवाइजर्स अवर पेरेंट्स डोंट नो अव टीचर्स डोट नो आई डोंट नो नो बडी कैन एडवाइज यू कि आपको ये जॉब जाना ये सेफ है कोई भी जॉब सेफ नहीं है मेरा जॉब सेफ नहीं है सो वॉट वॉट कैन यू डू देन यू हैव टू स्टार्ट चेजिंग स्किल्स दैट इज दी वे यू कैन सस्टेन अभी तक ऐसा था हमारे जो फील्ड है सोसाइटी में बहुत क्लियर कट डिफाइंड है मेडिसिन हुआ आर्किटेक्चर हुआ इंजीनियरिंग हुआ सिविल हुआ बट इन टू द फ्यूचर देर विल बी मोर एंड मोर इंटरसेक्शन एंड जो लोग दो फील्ड में नॉलेज है दे विल बिकम वेरी वैल्यूएबल राइट तो यू पिक एनी टू थिंग्स लिटरली एनी टू थिंग्स हम लोग के चाइल्डहुड में ऐसा बताया गया है कि हम लोग को एक जॉब करना है सो योर आइडेंटिटी बिकम्स वन जॉब आप क्या हो आर्किटेक्ट अच्छा ठीक है एवरीथिंग एल्स इज अ हॉबी आप समझ रहे हो आपके लाइफ में आप सोच सकते हो कि आपको आर्किटेक्चर करना है जॉब बट आपको म्यूजिक पसंद है लेकिन वो हॉबी है ये किसने कहा दिस इज अ नैरेटिव ये हमने खुद से बनाया है ऐसा कुछ भगवान का वर्ड नहीं है कि तुम एक ही जॉब कर सकते हो नाउ वट इज गोइंग टू हैपन इज दे विल बी अ टाइम वेन कंपनी विल लुक फॉर एन आर्किटेक्ट हु हैज एक्सपीरियंस इन म्यूजिक एंड तभी जब ढूंढने शुरू करोगे तो यू विल बी दी ओनली वन इफ़ यू हैव टेकन म्यूजिक सीरियसली सो यू टेक एनी टू फील्ड्स यू मिक्स दैम अप

तो वर्ल्ड में हर एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होता है कि दैट इज़ अ यूनिक पॉइंट कि वो पॉइंट को अगर डिफाइन करना है तो यू नीड थ्री एक्सेस एक्स वाई एंड जेड तो देन इट बिकम्स वन यूनिक पॉइंट सो थिंक ऑफ योर सेल्फ लाइक दैट कि आपका तीन कोऑर्डिनेट्स क्या है दैट विल मेक यू यूनिक पर्सन आर्किटेक्ट तो बहुत है यार बट यू एड टू मोर कोऑर्डिनेट्स एंड यू बिकम इक्वली गुड एट ऑल थ्री नाउ सडनली यू आर दी ओनली वन इन द वर्ल्ड

कुछ भी नया सीख सकते होंगे यानी ये कह लो अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई स्किल है तो उसको पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है कि वो स्किल क्या होगी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप म्यूजिक की बात करते हो तो आज ऐसे भी टूल्स आ गए जो म्यूजिक बना देते हैं वन पर्टिकुलर स्किल मे नॉट बी दैट रेलिवेंट बट इफ यू गॉट द स्किल टू एक्वायर एनी स्किल फॉर दैट मैटर यानी कि इफ यू कैन लर्न हाउ टू लर्न दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल इन फ्यूचर राइट परफेक्ट थैंक यू सो मच यहां पर आने के लिए Thank you. It was great meeting you.